हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर वन ऑफ माय व्लॉग्स। आज इस व्लॉग में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंड शिफ्ट के बारे में बताने वाला हूं। बट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आप मेरे इस नीचे दिए गए स्पेस कमेंट्स में आपने सोच के बारे में मुझे बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे फॉल्ट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि कसूर और जिम्मेदारी में फर्क होता क्या है। होता यह है कि जब हमारे साथ लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ट्रेजिडीज होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस खराब हो गया, लेट्स से आपका लवर आपको छोड़ के गया, सालों की जो मैरिज है वो खराब हो गया, उसके बाद हम सोचना ये शुरू हो जाते हैं कि ये कसूर किसका है, इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं था, ये तो सारी जिम्मेदारी उसकी है, सारा कसूर उसका है। द वे दैट दे आर मेकिंग मी फील, आप इस पर फोकस करते हो कि आप कैसे फील कर रहे हैं और उसने आपको कैसे फील करवाया। ये बहुत बड़ी गलती है जब हम फॉल्ट पे फोकस करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं। आपको हर वक्त कॉन्स्टेंटली आपने आपसे ये सोचना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, जो मुझे छोड़ के गया उसका फॉल्ट था मुझे बुरा फील कराने में, जो मेरे साथ धोखा करके मेरे पैसे खा गया उसका फॉल्ट था मेरे जो ऑनेस्टी है उसको मिसयूज करने में, यस उसका फॉल्ट था, दुनिया का फॉल्ट था, बट जिम्मेदारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आई एम द पर्सन इन चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि ब्रेकअप के बाद उस पुरानी एक्सपीरियंस से लर्न करूं और आगे बढ़ूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गलतियां की है उससे मैं सीखूं और दोबारा उनको रिपीट ना करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी लाइफ को एक्शंस के थ्रू ठीक करूं। तो डोंट थिंक अबाउट फॉल्ट्स कि कसूर किसका है, ये ट्रेजेडी हो गया, वो ट्रेजेडी हो गया, डोंट थिंक अबाउट कि कसूर किसका है। कसूर पे सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। आपने हर वक्त ये सोचना है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है मेरे लाइफ का, और उसका जवाब हमेशा होता है मैं। अब आपने कैसे पूछना है आपने आपसे कि जिम्मेदार कैसे होना है। कल रात को क्या हुआ, मेरा छोटा भाई है, इज अ वेरी यंग टैलेंटेड गाय, और मुझे दिखाने के लिए ना वो एक बर्गर लेके जा रहा था और बड़ा जाके बर्गर बनाया उसने, मिड नाइट स्नैकिंग हो रही थी, तो बाय चांस ना उसके हाथ से वो बर्गर गिर गया। अच्छा, क्योंकि मुझे दिखा के गया था तो मुझे एकदम से कहते हैं कि ये देखो आपकी नजरों का कसूर है, कसूर आपकी नजरों का है। मैंने उससे कहा जिम्मेदारी किसकी है, सोचने पड़ गया। अच्छा, जिम्मेदारी कैसी है? चलो बर्गर मेरा है तो जिम्मेदार भी मैं हूं, फिर बर्गर उठाओ, झाड़ दो, खा लो। लाइफ भी ऐसी है, डोंट थिंक अबाउट कि फॉल्ट किसका है जो आपके साथ हो रहा है, थिंक अबाउट जिम्मेदारी किसकी है उस गलती को सुधारने का, उस मसले का हल निकालने का, और इसके जवाब यह है कि जिम्मेदार आप हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेक श्योर करें कि इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप जरूर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस के साथ आप इन टच रहें। बार बार मैं आपको मोटिवेशनल और साइकोलॉजी के माइंड शिफ्ट्स के बारे में आपको बताता रहूं।